छत्तीसगढ़ में नाबालिगों के अलावा कई युवतियां और महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट न जाने कितने थानों में सालों से दर्ज थी, लेकिन इस अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश स्तर पर विशेष मुहिम छेड़ी, जिसे ऑपरेशन संवेदना का नाम दिया गया। साथ ही गुम हो चुके बच्चों को तलाशने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की। इसके तहत पिछले 6 महीनों के अंदर दुर्ग पुलिस ने सालों से लापता 526 युवतियां बच्चों सहित महिलाओं को देश के विभिन्न राज्यों से सकुशल बरामद किया। वहीं इस अभियान में दुर्ग जिले ने बिलासपुर और रायपुर को पीछे छोड़ दिया। बिलासपुर में गुमशुदा बच्चों को तलाशे जाने की संख्या 172 है, तो वहीं रायपुर में 186। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा लगातार गुम इंसान और गुम बालक बालिकाओं के संबंध में ये ध्यान दिलाया गया कि इस पर कार्रवाई करना और ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन संवेदना चलाई गई। इसमें हमारे जिले में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी द्वारा लगातार इसमें मेहनत की गई। बहुत सारी जगह हमने इसमें डाटा जुटाकर टीमें भेजी और इसमें हमको अच्छी सफलता मिली। हमने लगभग 529 लोगों को इसमें रिकवर किया है 6 महीने के अंदर, जिसमें हमने महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, झारखंड और बाकी बहुत सारे स्टेट, उत्तर प्रदेश, इवन साउथ के भी स्टेट से हमने लोगों को बरामद किया है। और एक अच्छी सफलता दुर्ग पुलिस के लिए है, जो कि लोगों में विश्वास जगाने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार जिले में गुम बच्चों के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाता है, जिसमें सीधे इसमें अपराध दर्ज किया जाता है और अपराध दर्ज करने के बाद गुम बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान के तहत ढूंढ निकाला जाता है। इसी प्रकार पुलिस महानिदेशक के महोदय के मंशानुसार ऑपरेशन संवेदना, जो महिलाओं से संबंधित अपराध, विशेषकर जिसमें महिलाएं गुम हो जाती हैं, उसमें उनको ढूंढने का काम ऑपरेशन संवेदना के अंतर्गत किया जाता है। हमारा चार महीना पहले जो हमारा बच्ची ने गुम हुई थी, तो बहुत जल्द से जल्द मिल गई। हमने गुम का रिपोर्ट लिखाया था भिलाई नगर में, जो हमारा दुर्ग का पुलिस स्टेशन वाले ने, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। काम तो बहुत अच्छा है, लोग मिल के रेलवे से जाके दोनों बच्चे को लाए और एक दिन दूसरा दिन में ही मिल गया बच्चा। बहुत सराहनीय है, काम अच्छा है।